कांजूरमार्ग में एक 13 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कांजूरमार्ग में स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल है और इसी स्कूल में 13 वर्षीय छात्र जो कि 7वीं क्लास में पढ़ती है उसने टेरिस से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, जिसके बाद तुरंत जो है उस लड़की को उठाकर विक्रोली के गोदरेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार जो है अभी चल रहा है। फिलहाल लड़की के दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है और लड़की फिलहाल ठीक है। आपको बता दें, पुलिस ने जब मामले को छानबीन किया तो देखा कि ये छात्र जो है अपने पिता के मृत होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव में थी और इसी तनाव के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और क्या पूरी जानकारी इस पूरे मामलात को लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने दी है वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन हद में एक अंग्रेजी स्कूल है, उस स्कूल की अंग्रेजी माध्यम की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की है, 13 साल की 7वीं पढ़ने वाली। उसने आज सुबह 8 के करीब अपने स्कूल के छत से दूसरे माले से कूदी मारी है। उसको गोदरेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट चालू है। उसके दोनों पैर को फ्रैक्चर है लेकिन अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। उनके डैडी जो थे उनका निधन 26/3/2022 को हुआ था। अपने डैडी से काफ़ी अटैच थी वो और उसके कारण वो डिप्रेशन में थी गई के दिनों से ऐसे इंक्वायरी में निष्पन्न हुआ है और उसी वजह से उसने ये घटना की होगी, ऐसा हमारा प्राथमिक अंदाज है। फिर भी हम लोग आगे इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बारे में। जिस तरह से कुछ कहा जा रहा है कि बच्ची को स्कूल में जो है डांटा था जो टीचर है उसने, तो ये एंगल से कोई जो है सामने आया है कि इंक्वायरी? अभी तक की हमारी इंक्वायरी में अभी तक ऐसा कोई बात सामने आई नहीं है, लेकिन हमारी इंक्वायरी चालू है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।